बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो बच्चों फिर बताओ कि स्कूल खुल गए हैं और बच्चे खुश हैं कि या उदास हैं? मेरा ख्याल है कि खुश ही होंगे क्योंकि फ्रेंड बहुत होते हैं। और आज मैं बच्चों के लिए ये रेसिपी बना रही हूँ, सारी रेसिपी बच्चों के लिए। ये मैं बना रही हूँ चिकन मफिन। ये मफिन ये बनेंगे, आप अपनी मामा से बोलिएगा कि आपके लंच बॉक्स में दे दें और सारी मम्मी रेडी हो जाएं। आज बच्चे उनके लिए फरमाइश करने वाले हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, एक छोटा प्याज मैंने काट लिया था, दिखाती जाती साथ साथ। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, ऑयल को साइड पे कर लेते हैं, ऐसे घुमा लेते हैं। ये मैंने डाला प्याज, ये हमारी गाजर, हाफ गाजर थी, और ये एक टमाटर, हाफ शिमला मिर्च, ठीक है? और जनाब ये हमारा हो गया चिकन। मैंने चिकन बॉईल करके इसको शर्ट कर लिया, जो हम सूप में यूज़ करते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने चिकन डाल रही हूँ कि बच्चे खुश हो जाते हैं चिकन से ना। अगर आपके बच्चे नहीं खाते चिकन तो आप ना डालें, खाली वेजिस से गुजारा कर लें, ठीक है जनाब? इसको करते हैं साइड पे। अब इसको हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना और इसको हल्का सा फ्राई करना है, हमने ज़्यादा नहीं इसे पकाना, बस थोड़ा थोड़ा पकाना है। और साथ में इसके बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डालना है। थोड़ा सा इसको तरफ ये देखें। अब इसमें मैं डालूंगी नमक हाफ चम्मच, मैंने ये छोटा वाला हाफ चम्मच नमक डाला है, ठीक है? ये हो गया। और ये काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन हाफ चम्मच से भी कम है, बच्चों ने खाना इतना स्पाइसी नहीं होगा, ठीक है जी? अब इसमें डालेंगे हम सोया सॉस थोड़ा सा, बस इतना, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब बताओ बच्चों आप लोग क्या करोगे जब ये आप मफिन अपने टिफिन में खोलोगे? तो सारे बच्चे बहुत खुश होंगे देख के कि वाह जी ये क्या चीज़ है। देखें जनाब बहुत अच्छे बनेंगे बच्चों, ठीक है? चले जी थोड़ा सा इसका कलर आ जाए, बस हमने इसको सोते करना है क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं और वेजेस को इतना पकाते ही नहीं है, बस वो कलर हल्का सा देना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अब इसको हल्का सा कलर दिया, अब मैं फ्लेम को बंद करने लगी हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए। ये ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं, ठीक है? अब मैं आपको दिखाती हूँ अब मैंने क्या करना है। ये मेरे पास 6 अंडे, एक एक करके हम तोड़ेंगे। ये जो बैटर है ये आप लोग रात को बना के रख सकते हैं, सब्जियां ऐसे फ्राई करके रख ली और सुबह अंडे तोड़े और उसमें वो मिक्स कर ली। और ये ओवन के ये नहीं कि ओवन में बनेगा, ओवन नहीं है तो आप देसकी में बना सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ ग्रिल रख के नीचे, नहीं ग्रिल तो आप एक स्टील की कोई प्लेट रख लें, ढक्कन रख लें, उसके ऊपर पैन रख लें और उसको कवर कर लें, ठीक है? चले जी अब ये मेरे पास अंडे हो गए। ये देखें मैंने 6 अंडे यूज़ किए हैं। अगर आपने कम बनाना आप 3 अंडों का बना लें, दो बच्चे हैं जिनके लिए, ये नहीं कि बच्चे ही खाएं, आप लोग शाम में भी खा सकते हैं, जैसे कोई घर में मेहमान आ जाए उसके लिए बना सकते हैं आप, लेकिन ये कि आपकी सब्जियां चीज़ें पहले बनी हों फिर आप फटाफट ये काम कर लें, ठीक है? अब मैं इसमें डालने लगी हूँ काली मिर्च, काली मिर्च, ये मेरे पास वो है मस्टर्ड पेस्ट, मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, मैंने आपको दिखाया था, तकरीबन छोटा वाला हाफ चम्मच ये डाल दिया। ये
हाफ चम्मच सोया सॉस, केचप, एक चम्मच केचप, एक ऐसे डाल देते हैं, माइनस दो तीन ये चार, ठीक है, भर के मैंने चार इसके ड्रॉप्स डाल दिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच मैंने मेयोनीज डाले, अब इसको फेंट लेते हैं। ये देखें अंडे मैंने बीट कर लिए, और अब इसमें डालूंगी मैं चार चम्मच दूध है, ठीक है। छह अंडे आपके सामने मैंने बीट किए, अंदर मसाले डाले जो भी, और ये मेरे पास चार चम्मच दूध है, ये भी डाल लेंगे, ठीक है। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। तब तक ये हमारी जो वेजिस है ये ठंडी हो गई है, ये अब मैं डालने लगी हूँ इसमें। ये देखें अब मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया, वेजिस हमारी मिक्स हो गई है। अब इसको बेक करेंगे हम। आपके पास ओवन नहीं है तो आप अपने पतीले में कर लें, बड़ा सा आपके पास पतीला हो उसको आपने गर्म किया ढक्कन रख के, और जब फुल गर्म हो गया तंदूर बन गया, फिर आपने एक प्लेट रख लेनी स्टील की या जाली स्टैंड रख लें, उस पर अपना पैन रख लें, तो उसको कवर कर लें, सेम वही चीज़ बनती है। अब इसको साइड पे करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास कप के जिसमें हम बनाते हैं ये वो वाला पैन है। अब एक मैंने ऑयल डाल दिया, अब चारों तरफ इसके ऑयल लगा लेंगे, ठीक है। चारों तरफ हमने ऑयल लगाना है ताकि हमारे जो मफिन है वो आराम से निकल जाए, एग चिकन मफिन, ठीक है। सारा अंडे से बना है, आपने छः अंडों का नहीं बनाना तो आप तीन अंडों का हिसाब रख लें, उस हिसाब से आप अपनी वो डाल लें चीजें। अब ये देखें मैंने ऑयल लगा लिया चारों तरफ, ओवन मैंने अपना गर्म करने के लिए ऑन कर दिया। अभी हम मिक्स करके ये देखें मैंने इसमें आपके सामने स्पाइस जो डाले थे बहुत कम डाले, अगर आपने आपके बच्चे खाते हैं या आप लोग अपना तेज खाते हैं तो अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें, ठीक है। ये मैं डालने लगी हूँ ऐसे करके, ये मैं सारे अपने मफिन जो है सारे तैयार हो जाएंगे, ऐसे भर लेंगे, ठीक है। एक एक करके मैं डालती जाती हूँ। मैंने सारे डाल दिए, अब एंड पे थोड़ी थोड़ी मेयोनीज डालेंगे। ये देखिए बस ऐसे थोड़ी सी इसकी ड्रेसिंग हो जाएगी। ये देखिए मैंने सारे डाल लिए, अब मैं ओवन में रखने लगी हूँ। ये देखिए ये मैंने ट्रे रख दी है अपनी, और तकरीबन 10-15 मिनट बाद इसको चेक कर लूँगी, ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। देखें मैंने अपने मफिन निकाल लिए, तकरीबन 15 मिनट मैंने रखा है और बिल्कुल सही रेडी हो गए। ये देखिए ये मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें ये देखो बच्चों, ये देखें पीछे से आप देखें, ये चेक कर लीजिए, ये देखें हर चीज पकी हुई अंदर, ये देखें कितने मजे के हैं, ठीक है बच्चों। आज आप खुश हो गए हो, इंशाल्लाह आपकी मम्मी आपके लिए जरूर बनाएंगी ऐसा
इजी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोग पहले सब्जियां फ्राई कर लें आपके घर में, जो भी सब्जियां हैं, ये नहीं कि आप पैसे खर्च रहे हैं, जो है आपके पास सब्जी उसको काटें और उसको मेरे आपके सामने मैंने फ्राई की है। फिर आप 2 अंडे ले लें, 3 अंडे ले लें, उस हिसाब से सब्जी कम कर लें, उस हिसाब से स्पाइस जो है वो कम कर लें और बनाएं, और बहुत जल्दी बनते हैं। और देसी में बना लें आप, ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, बड़े बताएं, बच्चे बताएं, बड़े भी खाएं, खाने के साथ खा लें, आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं उनके लिए बना लें, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई पावर के साथ, नए एम के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।